हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कान न्यूज। मेरा नाम है ऋषभ और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक अमेजिंग, एक यूजफुल और एक काफी काम आने वाली वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है किया सेल्टोस के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, आपके लिए जो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके बजट को देखते हुए, आपकी मंथली ड्राइविंग को देखते हुए, साथ के साथ आपके जो फीचर्स आपको कौन से वेरिएंट में क्या क्या मिल जाता है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप किया सेल्टोस परचेज करने का सोच रहे हैं और इनफैक्ट आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि आखिर कौन सा वेरिएंट या फिर कौन सी इंजन ऑप्शन ली जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। साथ के साथ आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके साथ बताऊंगा आपको कि आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा है, इन वेरिएंट्स की रियल लाइफ माइलेज कौन सी क्या है, और साथ के साथ इसके जो फीचर्स हैं वो एक्चुअल में कौन से यूजफुल हैं और कौन से नहीं। आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं, आपको कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इनफैक्ट इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है प्रॉपर रिसर्च्ड मटेरियल लेके आने के लिए। तो इस बात पे एक लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस लेकर आती रहती हैं, चाहे वो लीक्ड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो लेटेस्ट न्यूज़ हो, चाहे वो ब्रोशर्स हो, उसकी लीक प्राइसिंग वगैरह हो किसी गाड़ी के बारे में, कंपैरिजन रिव्यूज़ और इंजन वेरिएंट्स वगैरह फीचर्स सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। आपको बता दूं कि किया सेल्टोस की जो सेल है वो काफ़ी जोरों शोरों पर चल रही है। टोटल 6,200 यूनिट्स इसके अगस्त में ही सेल हो गए हैं। क्या कमाल का सेल यूनिट है, नंबर वन एसयूवी बन गई है 15 लाख के नीचे वाले प्राइस में अभी के लिए, इस महीने के लिए। तो इनफैक्ट आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये ऐसा क्यों है, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इसके फ्यूचरिस्टिक लुक्स, साथ के साथ इसके अट्रैक्टिव जो प्राइसिंग है, अग्रेसिव प्राइसिंग स्पेशली बेस मॉडल्स वगैरह के जो आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा फीचर लोडेड जो इसमें आपको फीचर्स जो आपको फीचर लोडेड एसयूवी एक प्रॉपर मिल जाती है, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वो चीज़ें हैं जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। डिज़ाइन तो है ही। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ इसी के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में, तो आपको बता दूं कि अगर आपकी ड्राइविंग मंथली 800 किलोमीटर से कम है तो आपको पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहिए, नहीं तो आपको डीजल लेना चाहिए। पहले हम कवर करते हैं पेट्रोल और आपको बताऊंगा कि पेट्रोल में कौन से अच्छे वेरिएंट्स हैं जिनकी जो प्राइस रखी गई है काफ़ी अच्छी रखी गई है, उसमें आपको काफ़ी भरपूर फीचर्स मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके HTK वेरिएंट से। HTE इज 9.69 लाख और HTK है 9.99 लाख। तो 30,000 रुपीज़ का फ़र्क है, लेकिन फीचर्स का भरपूर फ़र्क आ जाता है। तो आपको डेफिनेटली HTK वेरिएंट परचेज करना चाहिए अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आपको सेल्टोस पसंद है और आपको एक पेट्रोल, एक नॉर्मल बहुत पावरफुल इंजन नहीं, एक नॉर्मल इंजन चाहिए जो आपको डेली सिटी टू सिटी आपकी ड्राइव में हेल्प करे और आपको एक माइलेज भी अच्छी दे दे। रियल लाइफ माइलेज की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है ये, और रियल लाइफ माइलेज है ये अप्रॉक्सीमेट एवरेज आइडिया जो ऑलरेडी लोग इस गाड़ी को परचेज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो उनकी रियल लाइफ माइलेज है वो अराउंड 11 से 12 KMPL के बीच में आ रही है। HTK वेरिएंट यानी कि 9.99 लाख में आपको मिलता क्या है वो आपको मैं बताया था। एक तो पहले आपको एक बड़ी एसयूवी मिल जाती है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम, बूट स्पेस एंड आपको प्रॉपर हाइट, विड्थ एंड आपको लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। गाड़ी जब रोड पे होती है काफ़ी अच्छी लगती है। HTK वेरिएंट में आपको क्या क्या है, आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और इसके साथ साथ आपको इसमें मिलते हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओवर व्हील, 16 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कैप्स आपको मिल जाते हैं, और आपको इसमें इस तरह के ना काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, आपको इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है, आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें। तो ये चीज़ें हैं कि आपको 9.99 लाख में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो बेसिक आपके डेली लाइफ में काम जेन्युइनली काम आते हैं। अब आगे तो बाकी फीचर्स तो उसके एड ऑन्स हो जाते हैं जो आपको एडिशनल मिल जाते हैं, जो आप यू नो एक्स्ट्रा ट्वीक्स कहते हैं, एक्स्ट्रा गुडीज कह सकते हैं इसको हम, जो आपको लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो बेस आपको बेस वेरिएंट या फिर HTK वेरिएंट जैसे में बेसिक आपको फीचर्स चाहिए होते हैं वो आपको इसी वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट कम है, पेट्रोल गाड़ी आप लेना चाहते हैं, एक बड़ी एसयूवी लेना चाहते हैं, 9.99 लाख में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको सिर्फ इतनी सी प्राइस में HTK वेरिएंट में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अब अगर आपका बजट कम है लेकिन आपके मंथली किलोमीटर ज़्यादा, आपको एक माइलेज ज़्यादा चाहिए गाड़ी से, तो डीजल HTE वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट एक काफ़ी अच्छी चॉइस है। 9.99 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 4 स्पीकर, साथ के साथ आपको ब्लूटूथ और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में आपको 4 डिस्क ब्रेक्स भी हैं और 433 बूट स्पेस भी तो है, मतलब वो तो ओवरऑल गाड़ी की यही है, लेकिन HTE वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में ही आपको इस तरह की एक बड़ी गाड़ी जिसको एक प्रॉपर SUV है, जिसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और साथ के साथ उसके लेगरूम वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसी प्राइस में। अब
20.8 करती है कंपनी क्लेम, लेकिन अगर हम सिटी में बात करें इसमें तो सिटी में आपको इसकी माइलेज, रियल लाइफ माइलेज जो आती है वो आती है 17 से लेकर 18 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, एसी वगैरह कितना ऑन है या नहीं। और हाईवे की अगर मैं आपसे बात करूं तो 22-23 भी लोगों की आ रही है अगर आप ड्राइव प्रॉपरली करते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। इस प्राइस में आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाती है, BS6 इंजन भी आपको, BS6 इंजन मिल जाता है डीजल का, जिसकी प्राइस काफ़ी अच्छी, ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता है। और साथ के साथ आपको जो बेसिक नेसेसिटी वाले फीचर्स होते हैं जैसे कि ब्लूटूथ कीलेस एंट्री, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह में भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, साथ में 4 स्पीकर्स और आपको 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिल रही हैं। तो अगर आपका बजट कम है, माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो HTE वेरियंट इज़ द वन फॉर यू। अब अगला वेरिएंट जिसमें हम कहें कि जिन लोगों की थोड़ा सा बजट ज़्यादा है लेकिन वो पेट्रोल गाड़ी ही चाहते हैं 1.5 लीटर पेट्रोल, उसमें उन लोगों को क्या क्या, कौन सा वेरिएंट उनके लिए बेस्ट रहेगा। अब HTK के बाद आता है HTK+, जिसकी प्राइस 2 लाख ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 लाख कुछ ज़्यादा ही है, इतना गैप होना नहीं चाहिए अगर फीचर्स को मद्देनजर रखें। लेकिन उसके बाद आता है HTX वेरिएंट, जिसकी प्राइस है 1279, यानी कि HTK से 2,80,000 रुपये ज़्यादा। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है इस 2,80,000 की कॉस्ट में, मतलब बेस वाले फीचर्स तो मैंने आपको सारे बताए ही कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ब्लूटूथ स्पीकर 8 इंच, ये वो सब कुछ आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब इसमें HTX में आपको क्या क्या मिल जाता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसमें आपको टच स्क्रीन अपग्रेड हो जाती है 10.25 इंच की, यूवो के कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यूवो कनेक्टेड फीचर्स आपको पता ही है 3 साल के लिए बिल्कुल फ्री हैं, उसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं इस HTX वेरिएंट में। साथ के साथ आपको क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी, साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है इसके बीच में, और आपको मिल जाते हैं इसमें ऑल LED एलिमेंट्स मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स हो जाते हैं इसके, LED फॉग लैम्प्स, LED DRLs, LED स्वीपिंग बार, LED टेल लैम्प्स भी आपको मिल जाते हैं, पीछे की तरफ भी आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको इंटीरियर में भी ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है आपको इसमें, और क्या क्या मिलता है, ऑटोमेटिक एसी साथ ब्लूटूथ वगैरह जैसे आपको बताया है, वॉइस कमांड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, साथ में वो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो है ही ऑब्वियसली, 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। तो ये सारे जो बेसिक फीचर्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये HTX वेरिएंट यानी कि 12.79 लाख में ये एडिशनल आ जाते हैं, और 2,80,000 में ये सारे फीचर्स मेरे ख्याल से वर्थ है। इसलिए आ जाता है मैनुअल वेरिएंट इसका। लेकिन अगर आप इसी में ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं यानी कि CVT वाला, 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा देके, तो वो भी मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा वेरिएंट है अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहते हैं। तो मैनुअल में HTX वेरिएंट अच्छा रहेगा 12.79 लाख की एक शोरूम, ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो 13.7 लाख प्राइस भी बिल्कुल ठीक है, कंसिडरिंग इतनी बड़ी गाड़ी है, आपको इतना सब उसके अंदर फीचर्स भी मिल जाते हैं, कनेक्टेड आपको गाड़ी मिल जाती है, और साथ के साथ आपको बेसिक स्मार्ट एयर प्योरीफायर वगैरह वाले फीचर्स जो हैं वो भी मिल जाते हैं इसमें, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अब डीजल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी सेल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको अपनी पुरानी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू, फ्री इंस्पेक्शन, फ्री RC ट्रांसफर्स और आपको इंस्टेंट पेमेंट्स भी मिल जाएंगे। Cars24 हेल्प करती है आपको अपनी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू जानने के लिए। अभी अपॉइंटमेंट बुक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, एक लिंक आपको दिया गया जहां से आप अपनी फ्री इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, अभी करा लें जल्दी से। अब बात करते हैं डीजल वेरिएंट्स के बारे में। डीजल वेरिएंट्स में क्या है कि मेरे हिसाब से HTE के बाद सीधा HTK+ आता है या फिर HTX। HTK+ में एक बहुत बढ़िया प्राइस नहीं है उसका जो मुझे लगता है फीचर्स को मद्देनजर रखते हो, लेकिन HTX+ एक अच्छा वेरिएंट है, लेकिन मैनुअल वाला, ऑटोमेटिक नहीं, बिकॉज ऑटोमेटिक की जो माइलेज है वो काफ़ी कम है, मतलब कंपनी क्लेम करती है 17.8 फॉर द ऑटोमेटिक एंड मैनुअल की करती है 20.8, 3 KMPL बहुत ज़्यादा होते हैं, और रियल लाइफ में 17.8 वाले की माइलेज जो आती है वो आती है 13 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं जो सिटी में आती है। तो ये अब अल्टीमेटली अगर पेट्रोल की माइलेज 12 आ रही है सिटी में और डीजल की आएगी 13, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहिए, और इतनी ज़्यादा मतलब 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी उसके लिए पे करें, माइलेज भी उतनी ही मिले, तो इतना ज़्यादा आपका जो पैसे कवर नहीं होने वाले, टू बी ऑनेस्ट। अब अगर बात करते हैं इसके मैनुअल वेरिएंट की, जो कि है HTX+, ये एक अच्छा वेरिएंट है, आपको बता दूं 14.99 लाख का वेरिएंट है, एक शोरूम प्राइस है इसकी। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, हालांकि इसमें 6 एयरबैग्स, HUD और 360 डिग्री कैमराज नहीं है, लेकिन आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 7 इंच का क्लस्टर साथ में मिल जाता है, 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, और आपको इसमें बोस का स्पीकर और इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाती है। तो ये एक अच्छा वेरिएंट है, नॉट द बेस्ट बट इट्स अ गुड वेरिएंट टू बी ऑनेस्ट। सेल्टोस वाला आपको डिज़ाइन सारा मिलता है, ऑल LED एलिमेंट्स मिलेंगे, ड्यूल टोन इंटीरियर मिलेगा, तो जो लोगों को मेजरली अट्रैक्ट कर रहा है, साथ के साथ आपको इसमें डीजल इंजन से एक अच्छी माइलेज मिल जाएगी। 20.8 फॉर SUV लाइक दिस इज अ क्वाइट गुड नंबर।
अब आपको बता दूं कि माइलेज के हिसाब से जो सिटी में आपको मैंने बताया कि 17-18 एंड हाईवे के लिए 23-22 भी आ रही है, तो वो एक काफ़ी अच्छी माइलेज है। और फीचर्स में आपको अच्छी मिल जाते हैं, लुक्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, साइज आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप डीजल वेरियंट लेना चाहते हैं, अगर आपका बजट अच्छा खासा है, तो मैनुअल वेरियंट ले, ऑटोमेटिक नहीं। इस पर डीजल लेने का पॉइंट खत्म हो जाता है अगर आप ऑटोमेटिक यानी कि पेट्रोल वाली माइलेज वाली ही डीजल गाड़ी लेते हैं। तो इसीलिए HTX प्लस मैनुअल वेरियंट इज द वन फॉर यू इफ़ यू हैव अ नाइस बजट, डीजल लेना चाहते हैं और आपको मंथली किलोमीटर्स भी आपको 1000-2000 किलोमीटर्स ईजिली हो जाते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द डीजल मैनुअल वेरियंट। अब बारी आती है GT लाइन वेरियंट्स की। GT लाइन में सारे वेरियंट्स कमाल के हैं, अच्छी प्राइसिंग है। GTK भी अच्छा है अगर आप लेना चाहते हैं, GTX भी अच्छा है, GTX प्लस भी अच्छा है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ये कि GTK वेरियंट है उसकी प्राइस है 13.49 लाख। वहीं दूसरी तरफ है HTX वेरियंट 1.5 लीटर वाला IVT वाला 13.79 लाख। अगर हम प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ का फ़र्क आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंजन में काफ़ी फ़र्क है नो डाउट, माइलेज ऑलमोस्ट इन दोनों की सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपको, लेकिन इंजन की पावर में काफ़ी फ़र्क है। ऑनेस्टली काफ़ी ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क आ ही जाता है अगर आप इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में ड्राइव करके देखेंगे तो। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लेकिन अगर आपको ड्राइविंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो इन दोनों में आपको HTX वेरियंट ज़्यादा सूट करेगा, जस्ट बिकॉज वो ऑटोमेटिक है, CVT ट्रांसमिशन आ जाती है और फीचर्स में भी थोड़ी सी अपग्रेडेशन आपको मिल जाती है। जैसे कि GTK वेरियंट में आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलती है HD वाली, इधर आपको मिलती है HTX में 10.25 इंच की विद UVO कनेक्टेड फीचर्स एंड नेविगेशन एवरीथिंग एल्स। उसके अलावा आपको 17 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं वो मतलब वैसे तो GT लाइन वाले ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अगर उतना मैटर नहीं करता है तो आपको HTX वाला भी पसंद आएगा डेफिनेटली। आपको बता दूं कि जो फ़र्क आ रहा है दोनों में वो मैनुअल और ऑटोमेटिक का और इंजन का आ रहा है, लेकिन प्राइस दोनों में सेम है। एक में इंजन ज़्यादा पावरफुल है, एक में मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक है। तो अगर आप एक ऑटोमेटिक पेट्रोल लेना चाहते हैं और आप पावर ज़्यादा नहीं चाहिए तो आपको डेफिनेटली HTX CVT वेरियंट लेना चाहिए जिसकी प्राइस 13.79 लाख है। फीचर्स आपको उसमें काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं GTK के कंपैरेटिवली। GTK अगर तभी लें अगर आपको इंजन ज़्यादा पावरफुल चाहिए और मैनुअल ट्रांसमिशन इज ओके विद यू, देन यू शुड गो फॉर द HTK वेरियंट। अब बात करते हैं GTK वेरियंट, अब बात करते हैं GT लाइन के बाकी वेरियंट्स के बारे में। लेकिन आखिर बेस्ट कौन सा है आपके लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आपको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, आपको एक पावरफुल इंजन चाहिए जिसकी पिकअप बहुत अच्छी हो, उसकी माइलेज में भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और एक रोरिंग साउंड भी आए, आपको गाड़ी चलाते वक्त मज़ा आए, आपको एक स्माइल हो आपके फेस के ऊपर गाड़ी चलाते, तो GT लाइन वाला वेरियंट आप चूज़ कर सकते हैं। GT लाइन का बेनिफिट क्या है कि आपको इसमें लुक्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि 17 इंच के इसके जो अलॉय व्हील्स हैं क्रिस्टल कट वाले, वो काफ़ी सुंदर लुक में आते हैं। साथ के साथ इसमें आपको GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है, आपको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो GT लाइन को स्पेशल बनाती हैं। GT लाइन में अगर हम बेस्ट वेरिएंट की बात करें तो मेरा मानना है GTX प्लस जो मैनुअल वेरिएंट है उसकी प्राइस बिल्कुल ठीक रखी गई है 15.99 लाख, कंसिडरिंग उसमें सारा कुछ आपको मिल जाता है, 6 एयरबैग्स, 2 वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमराज, HUD वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है 15.99 लाख। लेकिन वो मैनुअल वेरिएंट है, वहाँ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरा मानना है कि ऑटोमेटिक वाला अगर GTX प्लस यानी कि सारे फीचर्स के साथ आएगा तो उसकी प्राइस 16.99 लाख चली जाएगी कंसिडरिंग द प्राइस चार्ट, तो वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि हम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देख रहे कि ये सस्ती गाड़ी है कि नहीं, ये एक रीजनेबल गाड़ी है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है लेकिन ठीक है प्राइस। लेकिन ये है कि आप जहाँ इतना स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर 50-60,000 रुपीज़ करके हम बैक ऑफ नहीं कर सकते, वहाँ पर बनता भी नहीं है। जहाँ पर आप 17-18 लाख, इनफैक्ट ऑन रोड पे 20-20 लाख लगा रहे हैं, वहाँ पर 50,000 या 60,000 इतने मैटर नहीं करते। तो अगर आपको GTX प्लस DCT वेरियंट लेना है तो उसके लिए आपको एक महीना और वेट करना पड़ेगा, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो मैनुअल वेरियंट इज़ द वन फॉर यू GTX प्लस का। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ इसी का जो डीजल वेरिएंट है जो आता है GTX प्लस ऑटोमेटिक वाला डीजल वेरिएंट, उसे मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज उसकी माइलेज कम हो जाती है। लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि अब हमारे पास जो प्राइस लिस्ट है डीजल और ऑटोमेटिक की, उसके हिसाब से लगता है कि जो डीजल वेरियंट GTX प्लस आएगा उसकी प्राइस होगी कहीं ना कहीं 17.29 या 39 लाख के आसपास, कंसिडरिंग जो उन्होंने फीचर्स ऐड करने हैं जैसे कि HUD, यू नो, 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री कैमराज, तो 1 लाख का फ़र्क तो वो वाला आएगा ही आएगा, प्लस ऑटोमेटिक का जो फ़र्क आएगा GTX प्लस वाला अलॉय व्हील्स का फ़र्क आएगा, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम प्राइस देखें तो 17.29 या 17.39 लाख एक्स शोरूम बनती है। और अगर पेट्रोल GTX प्लस यानी कि 1.4 की आती है 16.99 यानी कि 17 लाख, और सिर्फ 20 या 30 हज़ार का फ़र्क रह जाता है, 20-30-40 हज़ार का, तब आप डीजल वेरिएंट भी परचेज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक वाला। और ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फीचर्स आपको दोनों में सेम मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है।
डिज़ाइन बिल्कुल सेम मिल रहा है, सिर्फ इंजन में फ़र्क आएगा। तो डीसीटी वाले की वेरिएंट की जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 16 km/h माइलेज, रियल लाइफ उसकी माइलेज आती है 11 जो सिटी में आती है, हाईवे पे आ जाती है 17-18 इजीली। डीजल वेरिएंट की आएगी 17.8 जो कंपनी क्लेम कर रही है उसमें आती है 13 इन सिटी, एंड अगर हम देखते हैं उसको हाईवेज वगैरह में तो वो आ जाती है आपके अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 के बीच में। तो माइलेज में यहाँ पर 2 से 3 km/l का फ़र्क जो आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़र्क है, और इनफैक्ट जो पेट्रोल और डीजल फ्यूल चार्जेस का फ़र्क है उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस, ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी फ़र्क है। तो आपका अल्टीमेटली पैसा थोड़ा बचेगा अगर उनकी प्राइस सेम आती है या फिर सिर्फ 20-25 हज़ार का फ़र्क है तो आपको डीजल वाला आप ऑटोमेटिक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी आप पेट्रोल भी तो कर ही रहे थे, चाहे आपका किलोमीटर ज़्यादा हो चाहे कम हो, तब भी आप अगर आपके किलोमीटर 500-600 भी हैं तब भी अगर इनकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम आती है तो यू कैन गो फॉर द डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट, बिकॉज अल्टीमेटली थोड़ी सी सेविंग्स तो आपकी होंगी, ये नहीं बिल्कुल पेट्रोल के मामले में तो फ्यूल आपका कम ही लगेगा ना अगर हम पेट्रोल इंजन लेते हैं, और वैसे भी BS6 इंजन है तो फ्यूचर में भी इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसीलिए अगर इनका प्राइस में गैप कम आता है तो आप डीजल वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। आई होप मैं आपकी पूरी तरह हेल्प कर पाया होऊंगा इसके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने में कि सेल्टोस का आखिर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा बहुत तगड़ा आगे तक जाता है, आपका 20 लाख 21 लाख ऑन रोड आप खर्च कर सकते हैं, तो सेल्टोस वाला आप टॉप वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक ले सकते हैं या पेट्रोल ऑटोमेटिक ले सकते हैं। अगर मैन्युअली लेना है तो GTX प्लस तो अभी अवेलेबल है ही, उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। दूसरी गाड़ियां इन्हीं प्राइजेस में जो हैं वो आ जाती हैं जीप कंपस, XUV500, टाटा हैरियर वगैरह, तो उसके मामले में भी अगर फीचर्स को हम कंसिडर करें तो सबसे ज़्यादा फीचर्स किया सेल्टोस में ही है। क्रेटा को मैं इस लाइन में इतना नहीं लेता बिकॉज अब थोड़ा पुराना डिज़ाइन हो गया है उसका, बट फिर भी क्रेटा अपने आप में एक कमाल की गाड़ी है, फीचर्स अपने उसमें भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी फीचर्स, साइज़, बूट स्पेस, डिज़ाइन के मामले में किया सेल्टोस अभी भी इन सारे कॉम्पिटिशन से सबसे आगे है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, काश थोड़ी कम होती तो ईजिली और ईजी हो जाता लोगों को इस गाड़ी को परचेज़ करना, लेकिन ये प्राइस भी ठीक है, इतना तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आजकल काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। आप मुझे बताएं आपको किया सेल्टोस में बेस्ट फीचर कौन सा लगता है, बेस्ट वेरिएंट कौन सा लगता है, और आप कौन सा वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। इनफैक्ट अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का पर्सनली जवाब दूंगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आंसर करने में लेकिन डेफिनेटली मैं ही करूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। अब आने वाले दिनों में किया सेल्टोस की और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ और भी बहुत गाड़ियाँ आएंगी, इसीलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।